चेयरमैन सज्जाद खानी लोन ने कहा है कि इकतदार में आने पर वो 1987 की धांधली में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त देंगे। लोन ने कहा कि इसने ही मिलिटेंसी को जन्म दिया और कश्मीर में हजारों मासूम अफराद को कब्रिस्तान पहुंचाया। लोन ने कहा कि वो कश्मीरी टीम है और चाहते हैं कि लोग जान लें कि BJP के दौर हुकूमत में उमर अब्दुल्ला वजीर और पोस्टर बॉय थे। लोन का कहना था कि उनके वालिद अब्दुल कादिर लोन कभी भी किसी मिलिटेंट ग्रुप की तश्कील में मुलव्वस नहीं थे। लोन ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया है। लोन ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद, शब्बीर शाह, यासिन मलिक समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत रहने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गाँव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग PSA में अंदर गए, कहीं कहीं ने 20-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या जवाब? ये देंगे न मैं ए टीम हूं न मैं बी टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम हूं। मैं कश्मीरी हूं, कश्मीरी। देखिए यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए, जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया, मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला चाहता हूं। वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था BJP का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था, तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था। और जो जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब, वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में है उनकी बात करूंगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM टुवर्ड्स कश्मीरी जरूरी कि एक FIR लॉज हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रिगिंग की। आफ्टर ऑल 1,00,000 लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज, एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? BJP गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है, व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ फारूक साहब क्रिकेट स्कैम? बताइए क्या किया 87 के बारे में? क्या किया यहां? अगर थोड़ा बहुत अगर सलाम हर्ष गए से दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता प्लीज। 70-80 करोड़ सीधे खा गया। He is out at the pleasure of BJP government. मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा। जब 87 की रिगिंग हुई, उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोला। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते हैं। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करे, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब है, बाकी 49 कहां से आए, वो किसने बनाए? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।